सत श्रीकाल जी सारियां नूं, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक 90 मीटर का बिल्डर फ्लोर जो कि डीडीए के 90 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ है। लोकेशन है रोनी सेक्टर 22 और जो बिल्डर फ्लोर है वो 3 साइड ओपन है। जो डीडीए की कटिंग है सेक्टर 22 के अंदर वो 2 साइड ओपन प्लॉट्स हैं और ये प्लॉट जो है वो कॉर्नर प्लॉट है, तो 3 साइड ओपन रहेगा। तो काफ़ी अच्छी कवरेज मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन मिलेगी सभी रूम से अंदर, किचन के अंदर, टॉयलेट बाथरूम के अंदर आपको विंडोज मिल जाएंगी वेंटिलेशन के लिए। तो आज इसी बिल्डर फ्लोर को हम देखेंगे और जो लोकेशन मैंने आपको बताई वो सेक्टर 22 है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। अभी ऑपरेशनल जो है वो रिठाला मेट्रो स्टेशन है। जब वो लाइन आगे एक्सटेंड होगी तो फ्यूचर में 30 सेक्टर में या 24 सेक्टर में मेट्रो स्टेशन आएगा जो कि यहाँ से नियरेस्ट होगा। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं जो सोसाइटी के अंदर रोड्स हैं 9 और 12 मीटर की रोड्स हैं, तो काफ़ी बड़ी बड़ी रोड्स इस पॉकेट के अंदर अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं रोड जो हैं काफ़ी बड़ी बड़ी खुली कटी हुई हैं और ये जो सोसाइटी है चारों तरफ से वॉल कवर्ड है और आप देख सकते हैं जो पार्किंग है लोगों ने बाहर भी कर रखी है रोड्स पे, उसके अलावा भी काफ़ी अच्छी स्पेस बचती है। तो आज जो हम बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं वो कॉर्नर का बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं, साथ में ये पार्क फेसिंग भी रहेगा। तो ये सामने आप देख सकते हैं पार्क बना हुआ है और चारों तरफ से जैसे मैंने आपको बताया वॉल कवर सोसाइटी है, गार्ड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर इस तरह से पार्क भी बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं पार्क रहेगा। अब हम अंदर चल के देखते हैं किस तरह से बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। बट जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, आप देख सकते हैं 12 मीटर और 9 मीटर की इधर रोड्स बनी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये रहेगा स्टेयर्स की स्पेस, ये स्पेस हमारे को स्टेयर्स के अंदर मिलती है और बिल्कुल साथ में देखा जाए इधर की तरफ लगी हुई हमारी लिफ्ट, तो ये रहेगा लिफ्ट का एरिया। लिफ्ट के साथ में जो है मार्बल स्टोन्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बिल्कुल साथ में हमारा बना हुआ है 4 BHK का बिल्डर फ्लोर जो कि डीडीए के 90 मीटर के कॉर्नर प्लॉट पे बना हुआ है। 3 साइड ओपन ये बिल्डर फ्लोर है, तो काफ़ी अच्छी कवरेज भी मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन भी हमारे को इस बिल्डर फ्लोर के अंदर मिल जाएगी। तो अभी जो हम खड़े हुए हैं वो एंट्रेंस एरिया में खड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं सामने आपको लिविंग रूम की स्पेस दिख रही होगी। ये टोटल स्पेस हमारे को लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर मिलती है। सामने वाली वॉल पे 2 विंडोज़ मिल जाती हैं जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी रूम के अंदर। ये और ये आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग का डिज़ाइन। और अगर हम नक्शे की बात करें तो सामने की तरफ बने हुए 2 बेडरूम और अगर इधर की तरफ देखें तो इधर भी बने हुए 2 बेडरूम, बीच में हमारी किचन बनी हुई है। तो ये टोटल स्पेस मिलती है हमारे को लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर। ये स्पेस हम अपनी गेस्ट सिटिंग एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। सामने हमारे को वॉल पे एक LCD पैनल मिल जाता है वुडन का और इधर किचन है तो इधर की तरफ हम अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। इधर से रहेगी हमारी एंट्रेंस, ये स्पेस रहेगी लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर। तो इसके साथ में अगर हम देखें तो सामने बना हुआ हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि अटैच बालकनी के साथ रहेगा। ये आप देख सकते हैं अटैच बालकनी के साथ जो हमारे को रूम मिलता है ये फर्स्ट बेडरूम रहेगा और ये रूम जो है अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ भी रहेगा। तो ये स्पेस रहेगी, सामने एक विंडो मिल जाएगी जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी आपके रूम के अंदर। और जो फ्लोरिंग है वो इटालियन मार्बल फ्लोरिंग हो रखी है। रूम के अंदर आपको एक LCD पैनल बना हुआ मिलता है। इधर की तरफ आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और स्पेस जो वार्डरोब्स के अंदर मिलती है वो ये स्पेस मिल जाएगी, इतनी ही स्पेस साफ वाली ड्रॉर्स में मिल जाएगी। इधर की तरफ रहेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम, तो जो हम अपना बेड इंस्टॉल कर सकते हैं वो इस स्पेस पे कर सकते हैं। इधर की तरफ हमारी वार्डरोब्स रहती है और सामने हमारे को जो LCD पैनल मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं विंडो, बिल्कुल साथ में ये बनी हुई है अटैच बालकनी, ये देख सकते हैं आप बालकनी की स्पेस। और यही बालकनी जो है आपकी सेकंड बेडरूम के साथ भी कनेक्ट रहेगी बिल्कुल, के साथ में इधर की तरफ रहेगा ये अटैच टॉयलेट बाथरूम फर्स्ट बेडरूम के साथ, ये देख सकते हैं आप स्पेस टॉयलेट बाथरूम की। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। यहाँ से निकलते हैं, हमारा बिल्कुल साथ में बना हुआ है सेकंड बेडरूम, ये आप देख सकते हैं सेकंड बेडरूम की स्पेस। तो काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन आ रही है रूम्स के अंदर और सनलाइट भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है जो कि अटैच बालकनी के साथ है। तो ये आप देख सकते हैं स्पेस, इस वाली वॉल पे विंडो मिल जाती है और इधर की तरफ आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं, 5 डोर के वार्डरोब्स हैं, तो काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी स्टोरेज के लिए। तो ये आप देख सकते हैं जो स्पेस मिलती है हमारे को, इतनी स्पेस साथ में भी है और इससे डबल स्पेस हमारे को साथ में इधर वाली ड्रॉर्स में भी मिल जाएगी। इस साइड रहेगा हमारा LCD पैनल वुडन का और साथ में रहेगी अटैच बालकनी, ये आप देख सकते हैं वही सेम बालकनी है जो हमारी फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्ट थी। तो ये स्पेस रहेगी हमारी सेकंड बेडरूम के अंदर, ये रहेगा इसमें डाउन सीलिंग का डिज़ाइन। और इसे रूम से जैसे हम वापस बाहर निकलते हैं तो इधर राइट साइड पे बना हुआ है हमारा एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम जो कि एज ए गेस्ट टॉयलेट बाथरूम रहेगा, ये आप देख सकते हैं उसकी स्पेस। विंडो जो है वो शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगी इस टॉयलेट बाथरूम की, तो जो भी आपके गेस्ट आएंगे वो इस टॉयलेट बाथरूम को यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल लिविंग रूम के साथ कनेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं तो इधर हमारी किचन बनी हुई है जिसको हम एंड में देखते हैं।
बिल्कुल सामने ही बना हुआ है हमारा थर्ड बेडरूम, ये आप देख सकते हैं थर्ड बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलेगी हमारे को थर्ड बेडरूम के अंदर। और ये जो रूम है अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ रहेगा और अटैच वॉशिंग एरिया के साथ रहेगा। इस रूम में भी आपको काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो मिल जाएगी जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी रूम के अंदर। ये आप देख सकते हैं सामने वाली वॉल पे आपको एक एलसीडी पैनल मिल जाता है और इधर की तरफ आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं। वार्डरोब्स के अंदर इन्होंने कुछ डिज़ाइनिंग इस तरह से कर रखी है कि आपका ड्रेसिंग टेबल की तरह भी ये यूज़ हो जाएगा और अंदर स्टोरेज भी मिल जाएगी। तो इन ड्रॉर्स के अंदर भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी और वार्डरोब्स में भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी, साथ में ये जो ड्रेसिंग टेबल का इन्होंने सेटअप कर रखा है इसमें भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो ये अभी हम देख रहे हैं अपने थर्ड बेडरूम को जो कि अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ है। ये आप देख सकते हैं अटैच टॉयलेट बाथरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस हमारे को अटैच टॉयलेट बाथरूम के अंदर मिलती है जो कि थर्ड बेडरूम के साथ रहेगा। विंडो जो है वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाएगी टॉयलेट बाथरूम के अंदर। इससे बाहर निकलते हैं, बिल्कुल साथ में हमारा बना हुआ वॉशिंग एरिया। तो ये देख सकते हैं वॉशिंग एरिया की स्पेस, यहाँ पे आपको टैप्स और स्विच बोर्ड के कनेक्शंस मिल जाएंगे जिससे कि आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन का सेटअप कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। अब यहाँ से हम जैसे ही वापस बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल साथ में ही बना हुआ हमारा फोर्थ बेडरूम। ये आप देख सकते हैं फोर्थ बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलेगी हमारे को फोर्थ बेडरूम के अंदर। अटैच टॉयलेट बाथरूम का रहेगा ये रूम भी। और इस रूम के अंदर हमारे को इधर की तरफ एक वार्डरोब्स मिल जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल का सेटअप मिल जाता है, स्टोरेज इधर भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। अपोजिट में यहाँ पे हमारे को एलसीडी पैनल मिल जाता है, एक विंडो मिल जाती है जो कि वॉशिंग एरिया से कनेक्टेड है। इसके अपोजिट में इधर हम अपना बेड लगा सकते हैं इस स्पेस में। तो ये था हमारा फोर्थ बेडरूम। और ये आप देख सकते हैं इसमें डाउन सीलिंग का डिज़ाइन, तो जो कॉपर की वायर्स हैं वो भी कर रखी हैं सभी रूम्स के अंदर एसी की फिटिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं फोर्थ बेडरूम। अब यहाँ से निकलते ही साथ में हमारी बनी हुई किचन, तो ये आप देख सकते हैं किचन की स्पेस, यू शेप की किचन बनी हुई है इस बिल्डर फ्लोर के अंदर, डबल सिंक लगे हुए हैं। ये रहेगा आपका वेट एरिया और ये टोटल स्पेस मिलती है आपको वर्किंग एरिया के लिए। सामने विंडो रहेगी, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगी किचन के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा नीड होती है किचन के अंदर वेंटिलेशन की रहती है, तो अच्छी वेंटिलेशन आपको किचन में मिल रही है। और ये रहेगा डाउन सीलिंग का डिज़ाइन किचन में। और इधर की तरफ देखें तो हमारी किचन पेंट्री बनी हुई है, या देख सकते हैं ये किचन पेंट्री बनी हुई है, इससे आप अपना जो छोटा सामान है छोटा सामान बहुत इजीली यहाँ पे आप रख सकते हैं। साथ में जो आपको ड्रॉर्स मिल रही हैं किचन के अंदर, मॉडर्न किचन का काम हो रखा है तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको इन ड्रॉर्स के अंदर भी हो जाएगी। ये सभी ड्रॉर्स बनी हुई हैं। तो ये थी हमारी किचन, कुछ इस तरह से ये हमारा 4 BHK का बिल्डर फ्लोर बना हुआ है जो कि DDA के 90 मीटर के प्लॉट पर बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा DDA के 90 मीटर के कॉर्नर प्लॉट पे बना हुआ बिल्डर फ्लोर जो कि 4 BHK का नक्शा निकला हुआ है विद लिफ्ट और स्टिल पार्किंग एरिया से बिल्डर फ्लोर बना हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी कवरेज भी मिल रही है और रूम साइज़ भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं हमारे को। लोकेशन जो है वो रोहिणी सेक्टर 22 है। पार्क फेसिंग ये बिल्डर फ्लोर रहेगा और कॉर्नर का बिल्डर फ्लोर है, चारों तरफ से वॉल कवर ये सोसाइटी है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहेगा वो रिठाला मेट्रो स्टेशन रहेगा। इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,35,00,000 रुपये। अगर आप इस बिल्डर फ्लोर को लेना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसकी साइट विजिट करा देंगे। इस एरिया के अंदर हमारे पास 3 BHK 2 BHK में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये जो हमने बिल्डर फ्लोर देखा ये 90 मीटर का देखा, 3 साइड कॉर्नर देखा, इसके अलावा हमारे पास 2 साइड में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 48 मीटर के पेयर में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं 4 BHK के लिए। सो फ्रेंड्स, किसी तरह की अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।